सपनों से भर लेना। नैना, पूजा में तो तुमने बहुत मदद की मेरी, एक और छोटा सा काम करोगी मेरा? जी कहिए। मैं और विभा आज विष्णु सहस्रनाम पाठ करने वाले, हमने उपवास रखा है, हमारे लिए साबुदाना वड़ा और नारियल की चटनी बना पाएगी तू? साबुदाना वड़ा? हाँ, उपवास का खाना बना पाएगी या नहीं? मैं ना वैसे मैंने साबुदाना भिगो के रखा है और आलू भी उबाल कर रखे, बस नारियल और हरी मिर्च की चटनी पीसनी है और बड़े तलने हैं। इतना कर पाओगे ना बेटा? हाँ कर लेगी, मैं मदद कर दूंगा इसकी। मैंने नैना को कहा है, तुझसे नहीं। नहीं मेरा मतलब है, मैं तो बस पूछ रहा था, तू कहे तो। नैना ये काम अकेली करे। शाबाश, बन गए वड़े? हाँ मावशी, बस बन ही गए, आप खाकर देखिए ना। ये कढ़ाई तुमने कहाँ से ली? वो सिंक में रखी थी, मैंने धोकर ले ली। कितने महीने हुए तुम्हें इस घर में? अब काफी टाइम हो गया। ये भी नहीं जान पाई कि उपवास का खाना अलग बर्तनों में बनता है? उस कढ़ाई में नहीं, जिस कढ़ाई में कांदा और लहसुन की सब्जी बनती है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे तो ऐसी बात नहीं है, हमारे और इनके खानपान में बहुत अंतर है। और वैसे भी नैना ने जिंदगी में पहले बार साबुदाने बड़े खाए तो इस घर में। और सच कहूं, ये सारी गलती मेरी है। ये हमेशा जिद करती थी खाना सीखने के लिए, मैं ही टालती रही। कमाल है, अभी जिस लड़की को हमारे खानपान के बारे में नहीं पता, हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता, उस लड़की को सब गड़बड़ हो गया। वो मीनू ताई ने नैना। अरे चुप कर, मुझे नहीं सुनना तेरी ये कहानी घर घर की। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है नैना में और ना मीनू ताई में। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, दो चार दिन के लिए, फिर लौट आऊंगा। तब तक ये मामला भी सुलट जाएगा। कुछ कहा? नहीं, मैं ये कह रहा था कि तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। अहो, लेकिन आपका आने जाने में खर्चा होगा, मेरे पास कुछ रुपये हैं। तू? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। बल्कि तू ये रख ले, मेरे जाने के बाद काम आएगा।
थैंक्स. किस लिए? मेरे साथ रहने के लिए.